26 दिसंबर 2021 को हैदराबाद के अब्दुल्ला माल के मरकजी हाल में पाकिस्तान एक्सलेंस अवार्ड 2021 की तकरीब मुनक्कद की गई। ये मेरिट होटल कराची में होने वाली अवार्ड तकरीब का तसलसल थी। بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا हाल को नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। इस्तकबालिया पर मेहमान गिरामी को खुश आमदीद कहा जा रहा था। एक्सीलेंट अवार्ड तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हयात में हुस्न कारकर्दगी पर अवार्ड दिए गए। इस शानदार इवेंट में अवार्ड सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। उसके अलावा मेहमान गिरामी की तफरी के लिए हैदराबाद के लोक फनकारों ने शिरकत की और सकाफती गीत और गजल गुनगुनाए। आप सबका शुक्रिया 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 कि आप सब आए इतने दूर से कराची से हैदराबाद जो आपका अपना शहर है वहाँ से आप सबकी आमद आवा सभी की अचण असाज लाए काबिल इज्जत काबिल फ़ख्र मोहब्बत जो इजहार है अज अब्दुल्ला माल में पाकिस्तान एक्सलेंस क्लब की पहली गजानी पहली तकरीब जो नंढे पैमाने रखने का मतलब ही हो तो पा में विदू कचहरी क्यों समझो तो एक्सीलेंस आए एक्सीलेंस छापी करें एक्सीलेंस कदी एक्सीलेंस करनी चाहे जस्ट नंढी गाल जो हनीफ सागर गाल कई तो एक्सीलेंस क्लब चार दोस्त गजी ठाई असो काबिल एतराम
मुझे वो भा मुझे मौसन शाही इकबाल कुरैशी साहब जो इन अब्दुल्ला माल जो इन अब्दुल्ला ग्रुप जो चेयरमैन भी है इन अब्दुल्ला स्पोर्ट टावर की दूसरी मंजिल पर हाउस ऑफ एक्सीलेंस की ओपनिंग भी की गई। इस तकरीब में हैदराबाद के फनकारों के अलावा बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, शायर, अदीब, सहाफ़ी और मौजूद शहरियों ने शिरकत की। हैदराबाद के सन्नाटे में ये एक ताज़ा हवा का झोंका था जो सबको मुअत्तर कर गया। पाकिस्तान एक्सीलेंट अवार्ड के चेयरमैन जनाब हमीद भुट्टो साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शाकिर अली ने तमाम मेहमान गिरामी को खुशामदीद कहा। स्टेज कंपेयर के फराइज हनीफ सागर और नाजिया ने बखूबी अंजाम दिए और खूबसूरत अशार से मेहमान गिरामी को स्टेज पर बुलाया और हाजरीन ने नहायत इज्जत और तौकीर से तालियां बजाकर खुशामदीद कहा। इस यादगार तकरीब को हमेशा याद रखा जाएगा। इस तकरीब में मेहमान गिरामी ख्वातीन व हजरा मुकम्मल दिलचस्पी के साथ जुड़े रहे और पाकिस्तान एक्सीलेंट अवार्ड की इस तकरीब ने मेहमान गिरामी को मुकम्मल तफरी मुहैया की और शुरकाए महफिल ने खूब सराहा। इस महफिल के वॉलंटियर मुंतजमीन और आए हुए मेहमान गिरामी को सिंध की तहजीब और सकाफत का मुकद्दस तोहफा अजरक पहनाई गई। इज्जत और तौकीर के साथ मेहमान गिरामी को रुख्सत किया गया। आखिर में हमीद भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब ने सबका शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब की ये कामयाब तरीन तकरीब अपने तमाम खूबसूरत रंगों के साथ इख्तिताम को पहुंची। तमाम मौजूद मेहमान गिरामी को एक पुरतकल्लुफ इशाया भी दिया गया। उसके अलावा काफ़ी कश्मीरी चाय, सब्ज चाय और कोल्ड ड्रिंक से हाजरीन महफिल की खातिर की गई। तकरीब के इख्तिताम पर हैदराबाद के भीगे मौसम की भीगी रात में आए हुए मेहमान गिरामी सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से तशरीफ लाए थे, अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो गए। केमिस्ट्री पाण में केतरी हद तक मिलन खपे तो यो तमाम दुख कम हों अस ग्रुप मौजूद है भरपूर तारे में आजा कंदा फिस्सा मारवी ग्रुप जी।
ये सिर्फ रोटी पकाने के लिए, घास करने के लिए, भैंस की चुवाई करने के लिए और घर का काम करने के लिए, उसके अलावा औरत को दूसरी जाती। जिस तरह आप सबकी एक तो भरपूर तालियों की हम सबको ज़रूरत है और हैदराबाद में जब हम मौजूद हैं, हैदराबाद का इतना खूबसूरती से जिक्र और तस्करा किया जा रहा है, वहीं हैदराबाद की खूबसूरत शामों को और हवाओं को कैसे फरामोश किया जा सकता है। हम अपने शहर कायद में, वैसे भी कराची में, हैदराबाद और क्वेटा की ही हवा पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कभी हमारी हवा चलती है तो हम बोलते हैं कि हैदराबाद से हवा चल कर आइए, कभी हम कह रहे होते हैं क्वेटा से आइए जब बारिशें होती हैं। तनवीर अब्बासी ने कहा था कि फूल फिर लगाने से होता क्या है कि मुंह तो गुलाब लगाया है, पोपट पाने ही आया। मैंने तो फूल लगाए, तितलियां तो खुद आ गई। तो जब आप फूल लगाएंगे तो फिर ऐसे प्यारे लोग आपके पास, आपकी महफिल में ज़रूर आएंगे। ऐसा ही प्यारा शख्स जो ये इतने बड़े मॉल के लिए चेयरमैन अब्दुल्ला बिल्डर्स हैं, चीफ इन पैट्रन हैं, वो पाकिस्तान एक्सलेंस क्लब के, और ये काफिला उन्हीं की सरबराही में इसी तरह से परवान चढ़ रहा है। कह रहा था कि मैं जिसके हिजर से महजूर, सिर्फ 5 लोग आज उसके 1.2 मिलियन मेंबर और दुनिया के 210 मुल्कों के अंदर क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश भी कुछ इतनी कम है। कुछ दोस्त कराची से भी तशरीफ लाए हैं और हमारे ऐसे ही एक प्यारे दोस्त पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं कृष्ण सागर साहब, उनकी एक कमिटमेंट है, वहाँ पर भी प्रोग्राम है, उसके बावजूद वो वहाँ यहाँ पर तशरीफ भी लाए। पाकिस्तान एक्सलेंस क्लब के दोस्तों के लिए नए साल की मुबारकबाद पेश की, ये आगाज़ कर रहे हैं वो इन मोहब्बतों का, और तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती भी है और फिर उनको जाना भी है। तो लतीफ़ हैदर साहब हमारे मुख्तियार गार हैं और अच्छे शायर भी हैं, उन्होंने कहा कि बनती नहीं ना अपनी तो तू प्यार से निकल जा। तो हम उनसे यही कहेंगे कि आप प्यार से चले जाएं, कोई बात नहीं, आपने इतना वक्त दिया, मोहब्बत दी और यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। इसके साथ साथ मोहतरमा अलवीना साहिबा हैं, मोहतरमा हानिया साहिबा हैं, जुल्कर नैन साहब हैं, अकील कुरैशी साहब हैं और बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी दिल की गहराइयों से जितनी ज़िंदगी आए बाख़िदमत कंदो रहंदुसि, तव्हां ॿुधंदा रहो ऐं मुमताज़ कोशिशि कंदो तव्हांखे नई नई उहा शइ जेका टिपिकल जेका शइ असां वटि ख़तमु थी वई आहे, असां ज़िमेदार आहियूं पंहिंजी ॿोलीअ जा। बस एक काम यात्रा को भेजने मुझसे मेरे वाले साहब जिसका कि फिक्र हुआ कि वो रेडियो की ड्रामा को दे सकते हैं, छुट्टी होती थी तो मैं चला जाता था वाले साहब के पास, तो अक्सर मैंने देखा कि वो किसी न किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे रेडियो पाकिस्तान में, जहाँ पर ऐसा जो हक है सेक्रेटरी सकाफ़त लाइ ॾिसी चई त ख़ुशी थिए थी पई त तव्हां इन्हनि अदबी मेलनि ते इन क़िस्म जे प्रोग्रामनि ते सिंध गौरव जे तरफ़ां सहकार कयो था, ऐं उन्हनि ऑफिसर्स खे यकीन रिकग्नाइज़ करणु खपे, अवार्ड्स ॾियणु खपनि जेके आवाम जे लाइ कमु कनि था। मेघवाल